तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास आया है वीजोन 8009 का डेट सेट बॉक्स, जो कि पंजाब से भाई जगतार सिंह ने भिजवाया है हमको पोस्ट ऑफिस के थ्रू। ये देख लो, पोस्ट मास्टर से मैं जो है जगतार सिंह के द्वारा भिजवाया हुआ बॉक्स ले रहा हूँ। उन्होंने पोस्ट ऑफिस से हमको भिजवाया है। उनका बॉक्स सॉफ्टवेयर करते समय डेड हो गया था शायद। ये रहे पंजाब से भाई जगतार सिंह। तो दोस्तों, अगर आपका भी कोई सा डेड रिसीवर है तो आप हमें भिजवा सकते हैं। अगर मुझसे रिपेयर हो सकता है तो मैं ज़रूर करूँगा। और ये देख लो दोस्तों, हमारा पोस्ट ऑफिस गांव का है, छोटा सा है। अभी तक मुझे लगभग बहुत से लोगों ने डेड सेट टॉप बॉक्स भिजवाए हैं। तो अब मैं इसको लेकर के घर जाता हूँ दोस्तों, और पूरी रिपेयरिंग की प्रोसेस बताऊँगा। आप मेरा वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखना। और अब ये जो पोस्ट मास्टर है, ये स्लिप में मुझे साइन करने को कह रहे हैं, तो मैं स्लिप में साइन करके बॉक्स को अपने घर ले जाता हूँ। नमस्कार। और बॉक्स को खोल के देखता हूँ कि इसमें उन्होंने क्या क्या सामान भिजवाया है। तो दोस्तों, वीडियो में मेरे साथ बने रहे। ये देख लिए भाई जगतार सिंह का ये सेट टॉप बॉक्स है। अब मैं इसको खोल लेता हूँ और देखता हूँ कि उन्होंने इसमें क्या क्या भिजवाया है। ये वीजोन का 8009 सेट टॉप बॉक्स है दोस्तों, और काफ़ी बढ़िया पैकिंग इन्होंने करी है। फ्री सेट का जो है इन्होंने कवर यूज़ किया है भिजवाने के लिए। ठीक है, कोई सा टाइट जो है खोखा होना चाहिए सेट टॉप बॉक्स को भेजने के लिए। इन्होंने वी सेट का यूज़ किया, ठीक है, अच्छी बात है। ये रहा इनका वीजोन का 8009 सेट टॉप बॉक्स, बगैर सिम वाला होता है वीजोन 8009। तो दोस्तों, अब इसको कैसे सॉफ्टवेयर करना है डेट सेट टॉप बॉक्स को मैं बताता हूँ। मेरा वीडियो आप ध्यान से देखो, अगर कोई नया बंदा है तो वो ज़रूर ध्यान से देखे। आपको ले लेना है एक कन्वर्टर और एक RS-232 फीमेल टू फीमेल। और दोस्तों, RS-232 फीमेल टू फीमेल अगर दुकान से आप रेडीमेड लाओगे तो उससे आपका सॉफ्टवेयर नहीं होगा, आपको इसको बनाना पड़ेगी। ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इसके 3 नंबर की वायर सामने वाले के 2 नंबर में, और 2 नंबर की वायर सामने वाले के 3 नंबर में, और 5 नंबर की वायर तो सामने वाले के 5 नंबर में ही सॉल्डिंग करना। ये देखो, इसके नंबर लिखे हुए आपको दिख रहे होंगे जूम करने पे। RS-232 के जो छेद है इसमें नंबर लिखे होते हैं 1 से लेकर के 9 तक। तो 2 नंबर की वायर सामने वाले के 3 नंबर में, 3 नंबर की सामने वाले के 2 नंबर में, और 5 नंबर की सामने वाले के 5 ही नंबर पर सॉल्डिंग करवा लो। और आपको एक कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें आपको करना क्या है, एक USB RS, तो ये एक RS-232 की जो मुँह है उसको इसमें लगा देना है कन्वर्टर का, और इसका जो USB वाला मुँह है ये लैपटॉप में लगेगा, और ये वाला जो मुँह है RS-232 का जो छूट गया ये सेट टॉप बॉक्स के पीछे लगेगा। ये वाला जो मुँह है दोस्तों ये सेट टॉप बॉक्स के पीछे, और ये काले वाला जो है कन्वर्टर का मुँह सेट टॉप बॉक्स में लगेगा। तो सॉफ्टवेयर कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। ये सभी जो है वायरिंग मैंने कर दिया दोस्तों, लैपटॉप में भी पिन लगा दिया है, और RS-232 पीछे लगा दिए मैंने वीजोन 8009 के, और उसको पावर केबल भी लगा दिया। लेकिन इसका बटन दोस्तों आपको अभी चालू नहीं करना है, बटन जो फिर रखना है जब आपको जो लोडर ऑन करने का बोले तभी ऑन करना है। फ़िलहाल में मैं ये सन प्लस का लोडर यूज़ कर रहा हूँ, AV Link का। तो इससे करते दोस्तों, आपको 3rd नंबर पे जाना है, UT Start Trip पे जो भी लिखा है, और उसके बाद कॉम पोर्ट को रिफ्रेश कर लेना है, और DDR2 को 2 कर देना है, इसको DRD टाइप को, और यहाँ से आपका सॉफ्टवेयर सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं सॉफ्टवेयर सिलेक्ट कर लेता हूँ 8009 का। उसके बाद आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। ये देख लो, अब बोल रहा है वो प्लीज़ टर्न ऑन पावर। तो अब आपको पावर बटन ऑन करना है, जैसे ही ऑन करोगे इसकी प्रोसेसिंग चालू हो जाएगी। ये देख लो दोस्तों, प्रोसेसिंग हमारी चालू हो गई। थोड़ा सा ये टाइम लेता है, अभी 0, 1 और 1 से लेकर के पूरी 10 तक की गिनती चलेगी यहाँ पे। ये देख लो, मतलब कि हमारी प्रोसेसिंग आगे बढ़ रही है। और दोस्तों, ये 7 पे आकर के अटक गया है, वेट बूट मैसेज और बूट मैसेज फेल्ड हो रहा है। ये देख लो, फेल्ड हो गया, मतलब कि मुझे दूसरा लोडर यूज़ करना पड़ेगा, ये लोडर इस पर काम नहीं कर रहा है, AV Link का है ये लोडर। तो दोस्तों, मैंने लोडर चेंज कर लिया और हमारा सॉफ्टवेयर हो गया है। ये देखो, सन प्लस का लोडर मैंने यूज़ किया है, पिछली बार AV Link का था उससे जो फेल्ड हो रहा था,
तो मैंने सन प्लस का 1.0 वर्जन 1.0.5.0.8 यूज़ किया है, आपको दिख रहा होगा। तो इससे हमारा सक्सेस हो गया है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। देख लो दोस्तों, अभी हो चुका है हमारा, थोड़ा कुछ हो चुका है, 12% 13%। तो दोस्तों ये टाइम बहुत लेता है, अब मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और आपको बताऊँगा कंप्लीट होने के बाद ग्रीन लाइट कैसे हो जाती है। देखो हमारा कंप्लीट हो चुका है सॉफ्टवेयर अपडेट, वो जो रेड कलर था वो ग्रीन में बदल गया है। ये देखो, अब मैं आपको टीवी भी चला के बता देता हूँ, ये विजन 8009 से। तो ये देख लो दोस्तों, बढ़िया तरीके से बिफोर यू भोजपुरी चल रहा है। अब मैं आपको चैनल बदल के बता देता हूँ, ये देख लो दोस्तों, ये हमारे भाई जगतार सिंह है जिन्होंने पंजाब से भिजवाया था, डेड हो चुका था उनका। बढ़िया तरीके से चल रहे दोस्तों, अब हमारा बॉक्स जो डेड था वो रिकवर हो चुका है। अब हम इस बॉक्स को वापस से पैक कर देते हैं, और ये मैंने पैक कर दिया है। भाई का एड्रेस ऊपर चिपकाया और मेरा एड्रेस नीचे छोटे अक्षरों में चिपका दिया है मैंने, पूरा टेप से उसको चिपका दिया है बढ़िया तरीके से। अब मैं इसको लेकर के पोस्ट ऑफिस जाता हूँ और पोस्टमैन को वापस दे देता हूँ, ताकि ये जगतार भाई के पास जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। ये रही सामने पोस्ट ऑफिस, मैं आ चुका हूँ और दोस्तों मैं जा कर के दे देता हूँ। तो दोस्तों अगर किसी भाई का डेड सेट टॉप बॉक्स हो चुका है तो मैं उसकी हेल्प के लिए तैयार हूँ। ये रहे हमारे पोस्टमैन जो कि थोड़े से बिजी है दोस्तों, तो मैं इनको ये बॉक्स दे देता हूँ, और इनका जो भी वजन के हिसाब से पेमेंट लगेगा, बॉक्स का जितना वजन होगा उतने इनको कुछ पेमेंट देना पड़ता है, तो इनको दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी और नए दिन किसी और वीडियो के साथ।